अब ये पर्टिकुलर जो स्पीशी है सोलियम स्पीशीज इज फाउंड इन पिग। अब ये पर्टिकुलर डिजीज ये जो पैथोजन है कौन सी डिजीज कॉज करता है टीनियासिस जिसमें हेड एक फीवर नोजिया डायरिया सब रहता है अब ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो मेनली सब इफेक्ट करती है ओनली ह्यूमंस एंड सम अब ये आती कैसे है तो मैंने क्या बताया जो टीनिया सोलियम है इट इज इज अ एंड दैट प्रेजेंट इन पिग पिग तो को किस फॉर्म में लेते हैं पोक के फॉर्म में तो जब भी हम रॉ पोक ले रहे हैं कॉन्टेमिनेटेड अनकुक्ड फूड खा रहे हैं तो क्या होता है ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है नॉट बैक्टीरिया सॉरी द वर्म ये एंटर हो जाता है ह्यूमंस में तो ह्यूमंस क्या है यहाँ पे प्रीडेटर है तो जो टेप फॉर्म है दैट इट हैज टू होस्ट एक तो हो गया पिग और एक हो गया ह्यूमन लेकिन जो प्रिडेटर है दैट इज कंसिडर्स एज द प्राइमरी होस्ट क्यों बोलते हैं इसको प्राइमरी होस्ट क्योंकि जो ह्यूमन है वो इफेक्ट हो रहे हैं दूसरी चीज ये मल्टीप्लाई सिर्फ ह्यूमन गट के अंदर ही हो सकते हैं तो दे आर मल्टीप्लाइंग इन द ह्यूमन गट एंड दे आर देफेक्टिंग ह्यूमन वेयर एज जो पोक है मतलब जो पिग है पिग में तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये कंसिडर किया जाता है एज दी होस्ट अब क्वेश्चन में यही पूछा था की हु इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम तो हमारा क्या है पिग तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर काउ और शीप तो नहीं होगा वेर एज जो ह्यूमन है दैट इज दी होस्ट तो हमारा ऑप्शन वन क्या है करेक्ट आंसर क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर